तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक शो जिसका नाम है अल्टर कार्बन सीजन वन। देखिए भाई, ये शो रिलीज हुआ था पहले ही, लेकिन अब फिलहाल ये हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी में रिलीज हो चुका है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सीजन एक अमेरिकन साइबर पंक सीरीज है। अब जिनको नहीं पता साइबर पंक क्या होता, तो साइबर पंक एक तरीके का साइंस फिक्शन शो होता है, जहां पर आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, और शायद फ्यूचर में हमें वो सब चीजें देखने को मिल भी सकती है। भाई हॉलीवुड के जो राइटर है वो एक अलग ही लेवल के, और उनके पास जो बजट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। खैर, इस सीरीज की कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस सीरीज से रिलेटेड, जानने के बाद आपको ये सीरीज देखने में मदद मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये जो सीरीज है ये फ्यूचर में सेट है, और उसका जो ईयर है वो ईयर है 2384, और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिस सिटी का नाम है बे सिटी। तो अब जो उस सिटी के लोग है, वो सिटी के लोग नॉर्मल हमारी तरह ही ह्यूमन से, लेकिन वहां के लोग अब टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि हर इंसान के पीछे, यानी गर्दन के पीछे, आप एक तरीके का चिप मिलेगा। उस चिप को इस सीरीज में कहा जाता है कॉर्टिकल स्टेक, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो उसको स्टेक बोलते हैं। स्टेक में क्या होता है कि जितनी भी आपकी डे टू डे लाइफ जो एक्टिविटीज होती है, जो आपकी मेमोरीज होती है, याददाश्त या तो फिर जो जो चीजें आप लोगों ने की है, वो वहां पर आप लोग डाउनलोड करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार आपको उसका बैकअप करना पड़ता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप लोग मर जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मर गया और मेरी उम्र अभी 28 इयर्स है, इस एज में मर गया, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, मेरा स्टेक निकालेंगे, और स्टेक निकाल के वहां पर एक जो बड़ी कंपनी है उस कंपनी में देंगे, और मुझे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं अंबानी का बेटा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे कहते हैं मिथ्स। मिथ लोग का और ऑर्डिनरी पीपल लोग का फर्क इतना होता है कि जो हम जैसे गरीब लोग हैं, वो लोग जब मर जाएंगे तो हमारे उस स्टेक को निकाल के लेके तो जाएंगे, लेकिन हम लोग को डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उस कंपनी के पास कौन सी बॉडी है। जैसे कि अब मैं 28 इयर्स का हूं, तो अगर उस टाइम पे 50 साल के आदमी की बॉडी अवेलेबल होगी तो वो स्टेक लगा के दे देंगे, भाई लेके जाओ, हो गया तुम्हारा बंदा, हम लोग जिंदा कर दिए। लेकिन अगर एक मिथ हूं, मैं मिथ फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं बहुत पैसे वाला, तो एज इट इज मेरा जैसा क्लोन ऑलरेडी बना रहेगा उन लोगों के पास, और वो लोग स्टेक निकाल के वहां पे लगा देंगे। तो इससे बस फायदा ये होता है कि इंसान सालों साल तक वहां पर जिंदा रहता है। तो एज यूजल इस सीरीज में भी आपको कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बताया, और इस सीरीज में जो अच्छी चीज बताई वो है ये कि वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी के बीच का फर्क आपको इस सीरीज में बहुत अच्छा बताया। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, किस तरीके का होता है, वो भी इस सीरीज में आपको बहुत डिटेल में बताया। प्लस अगर वर्चुअल रियलिटी में अगर आपको टॉर्चर करे या आपको तकलीफ पहुंचाए, तो उसका रियल रियलिटी में क्या फर्क पड़ता है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस बॉडी में आपका स्टेक लगाते हैं, उस बॉडी को स्लीप करके बुलाते हैं। अब बात करेंगे इस सीरीज की कहानी की। तो देखिए, कहानी का हमारा जो मेन हीरो है उसका नाम है टकेशी कोवेक। एक एनवॉय है, यानी कि बेसिकली एक रिबेल ग्रुप है, जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा, उनके पास जो एबिलिटी से बहुत ही जबरदस्त है, और एक तरीके के वो सोल्जर है, लेकिन उसके रिबेल के सारे लोग मर चुके हैं सिवाय इसके। लेकिन एक दिन इस पर भी हमला होता है और उसको मार दिया जाता है, और उसका स्टेक निकाल के आइस टैंक यानी कि प्रिजन में रख दिया जाता है। अब तकरीबन 250 साल इस चीज को हो चुके हैं, और अब बे सिटी का एक पैसे वाला यानी कि लॉरेंस बैंक्रॉफ्ट, वो चाहता है किसी भी तरीके से टकेशी कोवेक को वापस से जिंदा करे, क्योंकि वो एक जबरदस्त सोल्जर होता है, और इसे अपने ही मर्डर का, अब देखिए ध्यान से सुनो, अपने ही मर्डर का केस को सॉल्व इन्वेस्टिगेट करने के लिए टकेशी कोवेक को फिर से जिंदा करवाना चाहता है। क्योंकि अब आप लोग बोलेंगे भाई इसके बीच जो स्टेक लगा है, तो स्टेक में तो काफी मेमोरी से थी, तो उसे देखकर वो समझ में आ सकता है कि भाई इसको किसने मारा था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि हर 24 घंटे में इस मेमोरी को आपको बैकअप करना पड़ता है, तो बैकअप के एग्जैक्ट पहले इसको कोई मार देता है। खैर, इसकी फैमिली इसको दोबारा से जिंदा तो कर देती, लेकिन ये इतना पैसे वाला होता है और ये चाहता है कि किसी तरह से इसको पता चल जाए कि आखिर में इसको मारा किसने था, तो इसीलिए वो टकेशी कोवेक को दोबारा से जिंदा करवाता है एक नए शरीर में, जिस शरीर का रोल यहाँ पे प्ले करे जोल किन्नामैन। तो वो शरीर में आने के बाद टकेशी कोवेक क्यों इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, क्या वजह होती है जो वो टकेशी कोवेक मान जाता है, क्योंकि वो एक सोल्जर होता है और वो इसी तरीके की जो दो नंबर ये जो पैसे वाले लोग उन लोगों से लड़ाई लड़ता है, तो वो इसका काम क्यों करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें मर्डर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। और हाँ, एक चीज बता दूं कि ये एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया शो है, क्योंकि यहाँ पर न्यूडिटी आपको बहुत देखने को मिलेगी, एक नेक्स्ट लेवल की न्यूडिटी सीन्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा वायलेंस की बात करूं तो लगभग कुछ सीन्स है आपको जो वायलेंस लगेंगे, मुझे वायलेंस के सीन्स इतने ज्यादा खराब नहीं लगे, मुझे तो डिसेंट लगे, लेकिन जो न्यूडिटी सीन्स थे वो एक नेक्स्ट लेवल के थे। तो उस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज फैमिली के साथ तो ना देखे। और हाँ,
बच्चों के साथ और कुछ ऐसे लोगों के साथ ना देखे जो इस तरीके की चीजें देखना पसंद नहीं करते। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करो तो सभी किरदार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक इमोशनली अगर मुझे फनी और इमोशनल कैरेक्टर लगा तो वो था इस सीरीज में बताया गया एक होटल का मालिक जिसका नाम होता है पो जो नाम होता है, वो एक AI इंटेलिजेंस से बना हुआ एक हिसाब से मशीन होता है, रोबोट भी कह सकते हैं, वो एक मशीन ही होता है। तो उससे उसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था और स्पेशली टकेशी कोवेक का कैरेक्टर तो अच्छा है ही। तो बस मेरे हिसाब से इतना बोलूंगा, अगर आप लोग फ्री हो, आप लोग कुछ इस तरीके की अलग हटके फ्यूचरिस्टिक कहानी देखना पसंद करते हो तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखना। और इस सीरीज का सीजन 2 आने वाला है जिसमें आपको एंथोनी मैकी एज टकेशी कोवेक नजर आने वाले हैं। तो एंथोनी मैकी कौन है? तो भाई एंथोनी मैकी वही है जिसने मार्वल मूवीज में फैल्कन का रोल प्ले करते हैं और अब वाली मार्वल मूवीज में ही आपको कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आने वाले हैं। तो देखना है कि टकेशी कोवेक का रोल एंथोनी मैकी किस तरह से निभाते हैं और क्या सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें कहानी तो मुझे थोड़ी सी सिंपल ही लगी लेकिन बनाने का तरीका बहुत ज्यादा लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज का जो बजट है वो बजट बहुत ज्यादा था, इतना बजट है कि इसको गेम्स ऑफ थ्रोन्स के 3 सीजन में बनाया गया जितना बजट था उसका ये एक सीरीज में लगा था। अब ऐसा बोलते हैं भाई, मैं कन्फर्म बोल नहीं सकता। तो बस मेरे हिसाब से तो ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। हाँ, बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स और जो वायलेंस के सीन और जो वर्चुअल रियलिटी के जो सीन्स बताए गए और ट्रोमा लूप के बारे में कुछ बताया गया तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, कुछ नया हटके देखने को जरूर मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया। और हाँ, इस सीरीज के मैंने आपको बता दें कि इसमें 10 एपिसोड है और एपिसोड की लेंथ लगभग 51 मिनट से लेके 59 मिनट की है। तो मैंने तो अपना पूरा दिन देखे सीरीज को देख लिया, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप लोग इस सीरीज को देखोगे या नहीं देखोगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, और अगर देखी है तो इस सीरीज में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपका जो प्यार है वो इस तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग छाने वाले आप मैं हम जो जितने भी हम लोग बहुत छाने वाले यूट्यूब में और बस हम लोग हर जगह नजर भी आने वाले। तो बस इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखना। मैं हूँ राशिद शेख, बाय।